कोरोना ऑफिशियली खत्म हो गया है, बस में भीड़ है, लोग चिपक चिपक के जा रहे हैं, कॉलेज चालू होंगे यार। ये तो पानी पूरी मीठी बना रहे। हाँ ठीक है ना, कल शीट शॉट चालू करना है। WCCA F-Tech के अनुसार 4 नवंबर को इंटेल अपने 12th जनरेशन ऑल्डर लेक CPUs को लॉन्च करेगा डेस्कटॉप के लिए। मुझे तो अभी भी 8th जनरेशन नया नया सा लगता है, समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। YouTube म्यूजिक पे अब फ्री यूजर्स के लिए वीडियो प्ले नहीं होंगे, साथ ही साथ फ्री यूजर्स के लिए बैकग्राउंड लिसनिंग वाला फीचर भी ऐड कर दिया जाएगा। तो यार गूगल प्ले म्यूजिक ही वापस ले आओ ना, यूट्यूब म्यूजिक की जरूरत ही क्या रही फिर। तो पहले कनाडा में लॉन्च होगा, फिर धीरे धीरे बाकी दुनिया में भी, और इंडिया को तो सबसे पहले लॉन्च होने में शॉर्ट्स जैसी चीजें ही मिलती हैं। टिकटॉक। एनीवेज लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने चाइना से लिंक्डइन ऐप हटाया, एप्पल ने चाइना से एक कुरान ऐप हटाया जो काफी प्रचलित था, 1.5 लाख से ज्यादा रिव्यूज है कुरान ऐप पे। कुरान ऐप के वापस आने के चांसेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन है कुछ अगर वो ठीक हो जाए तो। लिंक्डइन तो कंट्रोवर्सी के कारण गया, अब इसके रीजंस पे नहीं जाना मुझे शो में, टेक्निकल स्कोप के काफी बाहर है, लेकिन पॉलिटिकल विल हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, यह इसका जीता जागता सबूत है। नीचे लिंक्स हैं, डिटेल में अगर जानना है तो जरूर एक बार देखो। फेसबुक पे अमेजोन बिक रहा है, इस पे फेसबुक रोक लगा रहा है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एरियाज के बड़े बड़े पार्सल्स फेसबुक मार्केट प्लेस पे बिक रहे हैं अभी, जिसपे फेसबुक ने कहा है कि वो अब अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करके जमीन खरीदने या बेचने को प्रोहिबिट करेगा। काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे ये कि फेसबुक पे जमीन बिक रहे हैं। लिंक्स नीचे। डी ब्रांड ने PS5 के लिए साइड पैनल्स डार्क प्लेट्स लॉन्च किए थे, सोनी ने बोला मत बेचो केस ठोक देंगे, तो डी ब्रांड ने बोला चल जा क्या करना कर ले, फिर सोनी ने केस ठोक दिया, फिर डी ब्रांड ने डार्क प्लेट्स खत्म कर दिया। अब न्यू न्यूज में डी ब्रांड ने नए डार्क प्लेट्स लॉन्च किए हैं, मैट ब्लैक, रेट्रो ग्रे और व्हाइट कलर्स में ये अवेलेबल रहेगा होपफुली, अगर फिर से ना उड़ा दिया जाए तो। फैन वेंट ऐड किया है इस बार, वो शार्प एजेस वाला डिजाइन हटा के टकला टाइप का कर दिया है इस बार, पिछली बार वाला तो सोनी के कवर जैसा ही था, बस मटेरियल कलर सब अलग था। एप्पल के रिसेंट इवेंट में एयरपॉड्स 3 लॉन्च किए गए स्पेशल ऑडियो के साथ, पिछले एयरपॉड्स का भी प्राइस कम किया गया है $20 से ₹1500। मैकबुक प्रो लॉन्च हुआ और नए CPUs लॉन्च हुए, M1 प्रो, M1 मैक्स और M1 प्रो मैक्स, नहीं M1 प्रो मैक्स नहीं, ये आईफोन थोड़ी ना था, नहीं M1 प्रो मैक्स नहीं। इंटरनेट भर गया है इस इवेंट पे, तो कोई भी वीडियो देख लो जाके, गैरी एक्सप्लेन्स का एक डिटेल में पूरा वीडियो है M1 प्रो, M1 मैक्स और रेगुलर M1 पे, तो जाओ जाके देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा। स्प्रिंग लोडेड अनलीश से ज्यादा अच्छा था प्रेजेंटेशन के टर्म्स में, बाकी प्रोडक्ट्स अनलीश में ज्यादा बेटर थे जो कि लॉन्च हुए हमारे M1 प्रो और मैक्स की जैसे। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। पिक्सल इवेंट पे चलते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गूगल ने पिक्सल 6 और 6 प्रो लॉन्च किए $599 और $899 में, जो कि अराउंड 44,000 और 67,000 होते हैं हमारे अपनी दुनिया में। क्वालकॉम से हटने की वजह से अब इस फोन में गूगल ने 5 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट देने का प्रॉमिस किया है। इवेंट का एक नोटेबल अनाउंसमेंट रहा गूगल का एक नया टेंसर प्रोसेसर, जो लीक्स की वजह से बहुत पहले से ही सबको पता था। बेसिकली इवेंट जो इन्होंने बनाया वो लीक्स को कंफर्म करने के लिए बनाया ऐसा लग रहा था। कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के लिए नए फीचर्स बताए, हमारी डार्क स्किन के लिए बेटर कंप्यूटेशन रहेगा, AI के सारे काम ऑनलाइन की जगह लोकल होंगे CPU में क्योंकि उसके लिए प्रोविजन हुआ है, सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च किया है, अमीर स्नैपचैट के साथ नए कुत्ते बनाने का ऑप्शन भी दिया हुआ है फोन के पीछे डबल टैप करने पे, और आई होप कि ये जो डबल टैप है ये कस्टमाइजेबल हो, वरना गूगल इंडियन स्मार्टफोन के मार्केट के शेयर्स में अदर्स की कैटेगरी में रह जाएगा। गैरी ने टेंसर पे एक अच्छा वीडियो बनाया है, MKBHD ने अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस दिए हैं। तो पर्सनली गूगल का इवेंट देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर प्रेजेंटेशन दी है, और वहीं एप्पल के इवेंट में ऐसा लग रहा था कुछ सिनेमाटोग्राफर्स ने मिलकर प्रेजेंटेशन दी है, सब खुला खुला था एप्पल के इवेंट में। गूगल के इवेंट में ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बंद कमरे में बात हो रही है, क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा था। सो दीज वर माई 2 सेंट्स, यानी मेरे 10 पैसे। सैन फ्रांसिस्को के एक छोटे से शांत से मोहल्ले में
वेमो की सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज चक्कर लगाने लगी अचानक से, जिससे वहां के कुछ लोग परेशान हुए और कुछ लोग वर लाइक। गाड़ियां एक डेड एंड रास्ते पे जा रही हैं, घूम रही हैं, वापस आ रही हैं, इतना लगातार बहुत सारी वेमो की गाड़ियां कर रही हैं। नीचे CBS लोकल का लिंक है, जाके वेबसाइट पे उस न्यूज का वीडियो कवरेज देखो, 2 मिनट का है, काफी अजीब है, लेकिन सब जैगुआर है, वो अलग ही मजा आया वीडियो देख के। जैगुआर की टैक्सी, वेमो का कहना है कार्स बस ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रही हैं, जो कुछ इलाकों में ट्रैफिक कम करने के लिए गाड़ियों को रेस्ट्रिक्ट करता है, तो फिर किसी और इलाकों में जाके उनको टर्न लेना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। वैसे ये गूगल मैप्स यूज करते हो ना तो देखा होगा, यू टर्न नहीं बोलता कभी भी गूगल, आगे जाके एक डेड एंड रास्ते पे मुड़ने के लिए कहता है। मुझे यही लग रहा है हमारे लोकल रोड्स और हाईवेज की तरफ बनो थोड़ा, जहां जहां मन हुआ वहीं यू टर्न लेके, सोचने का नहीं इधर उधर, कुछ देखने का नहीं ज्यादा। मार्क ज़करबर्ग भैया फेसबुक को फेसबुक मेटावर्स बनाने में पूरे जोरों शोरों से लग गए हैं, जो उनको अगले 5 सालों में स्टार्ट तो कर ही देना है, एटलीस्ट पूरी तरह से स्टार्ट तो कर ही देना है। इसके लिए फेसबुक यूरोप में 10,000 लोगों को हायर भी करेगी। यूरोपियंस ही वो पहले एलीट लोग रहेंगे जो इस मेटावर्स का आनंद लेंगे। मेटावर्स क्या है भाई? मेटावर्स तो तुम मेटावर्स में इंटरनेट यूज करने की जगह इंटरनेट में घुस रहे हो, जी रहे हो इंटरनेट में, ऑनलाइन गेम्स की तरह, बस स्क्रीन अलग होने की जगह VR जैसा कुछ होगा जिसे तुम खुद उस गेम में हो ऐसा लगेगा। यही तो चाहिए हमारे टीनेजर्स को। मुझे भी चाहिए। एकदम जैसे आयरन मैन की मूवीज में होता है ना, हवे में स्क्रीन से इंटरैक्ट करना, ऐसा मस्त कुछ तो। वर्चुअल मीटिंग्स अभी के जूम जैसे ना होके मार्वल की मूवीज में हम लोगों ने देखा, जिस तरह वर्चुअली ऐसा रहता है कि एक ही रूम में सब बैठे हों, अलग अलग ऐसे होलोग्राम्स जैसा। तो अभी मेटावर्स का कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। वर्चुअल अवतार भी बनेंगे फिर तो, मीटिंग में स्नैपचैट वाले कुत्ते तुम्हारे साथ बैठेंगे मीटिंग में। जो AR VR में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं ना दिन ब दिन, उससे अब ये साइफाई फ्यूचर काफी करीब नजर आ रहा है। फेसबुक तो अब एक कदम आगे होगा कॉम्पिटिशन से, क्योंकि ऑक्यूलस से उनको काफी ज्ञान मिला होगा और मिल भी रहा होगा। मार्क भैया का कहना है लोगों को छोटी छोटी स्क्रीन में नहीं जीना चाहिए, तो मतलब उस स्क्रीन को आंख के एकदम पास लेके जीना चाहिए। उसका तो बस चले तो भाई, वो तो घुसाई दे स्क्रीन के अंदर। मार्क भाई इस मेटावर्स के बड़े प्रवक्ता रहे हैं काफी सालों से। उनका कहना है दूसरी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके ये बनेगा। ये मेटावर्स फेसबुक अकेले नहीं बनाएगा। मस्त है ना? मैं कुछ इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस टेक्नोलॉजी में, सच कहूँ तो मेरा एक्सपोजर भी नहीं रहा खास AR VR के साथ कुछ, तो फिर ये कारण हो सकता है। लेकिन मुझे इसको मार्केट में आते देखना है। आखिर मार्क ज़करबर्ग जैसे बड़े दिग्गज को लगता है स्कोप है, तो भाई कुछ तो होगा टेक्नोलॉजी में। मुझे भी लगा था इंजीनियरिंग में स्कोप है। एपिक गेम्स के टिम स्वीनी के भी इस टेक्नोलॉजी को लेके काफी एस्पिरेशंस है, मोस्टली गेमिंग फोकस वैसे अभी, फेसबुक की तरह लाइफ में जनरली नहीं। बाय द वे कुछ स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि फेसबुक अपने रीसेंट स्कैंडल से ध्यान भटकाने के लिए अभी ज्यादा उठा रहा है। तो कमेंट करके बताओ तुम इस मेटावर्स को अपनी जिंदगी में कहां यूज करोगे, लिंक्स नीचे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने सभी घर वालों को बता दो कि कौन है हम। बाय।